भी कोई बड़ा गॉड साधन क्योंकि हमें स्व परिवर्तन लोगों को लगता है कि हमेशा हम जो बड़े लोग होते हैं ना सबको आशीर्वाद है सबको पैसा देना पड़ता है पैसा खिलाएंगे तो बड़ा नौकरी मिलता है बड़ी तरक्की होती है। तो ये भी आपको बताना है कि आपको किसी का पहचान थी इसलिए आप इस लाइन में गई। तो अभी गई हो तो आपको कैसे इतने ऊपर आ गई। हेलो दोस्तों, थैंक यू मिसेस के एंड अर्चना जी एंड पूरी युवा परिवर्तन की जो टीम इसने मुझे यहाँ आमंत्रण देने का और निमंत्रण देने का सम्मान किया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है मुझे पता है कि एक्टर्स स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं बोलते हुए और वो भी दूसरे लोगों के डायलॉग हमारे अपने डायलॉग नहीं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे इन्होंने कांटेक्ट किया था तो चूंकि थोड़ा ये एक दो महीने काफ़ी बिजी चल रहे हैं मेरे और हमारी पूरी टीम के, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो क्या क्या बोलूँ कि निकल जाऊँ उससे कि नहीं आना पड़े। मैं ये सोच रही थी कि क्या एक्सक्यूज़ दूँ कि मैं शूटिंग पे हूँ या मैं बॉम्बे में नहीं हूँ या मैं क्या मतलब क्या ये सफाई को भी आने की जरूरत ना पड़े। और फिर एक इनके इन्होंने ईमेल में लिंक था जो फिल्म आप लोगों ने आपके संस्थान पे बनाई है सेकंड चांस आई थिंक, और वो फिल्म देखी मैंने यूट्यूब पे और मतलब आप लोगों की कहानी है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई अपने ऊपर कि मैं ये सोच भी रही थी कि मैं कैसे मना करूँ या क्या एक्सक्यूज दूँ क्योंकि यू नो हम लोग हम एक्टर्स जो हैं जो स्टार बनने के और सेलिब्रिटी और बड़े सेलिब्रिटी और सलमान खान और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बनने के चक्कर में हैं, हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि ये हम करते कैसे हैं। ये हम आप सबकी कहानी बताकर के जरिए करते हैं और आप सब और हम सब मतलब हमारे समाज में जो लोग मेहनतकश हैं जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी कहानी। हम जो इंसान सफल है सफलता की कहानी में कोई कहानी नहीं है, कहानी हमेशा कोशिश की होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, मतलब मेरी पोल खोलनी है आपको। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं हीरोइन बनने नहीं आई थी, मैं शाहरुख खान बनना चाहती थी। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये लगा कि इंडिया में कौन मतलब अब बहुत सारे लोग हैं लेकिन कौन ऐसा है जो जिसको सब जानते होंगे, तो मुझे लगा शाहरुख खान। तो मैंने सोचा मैं शाहरुख खान बनना चाहती हूँ। आपको यहाँ बनना चाहता कि शाहरुख सर अभी भी हैं और अभी सिक्स पैक है उनका और उनका काम अच्छे से चल रहा है। तो अलग अलग किस्म की मुश्किलें हमेशा आएंगी, वो डिपेंड करता है कि आपका सफर कौन सा है और क्या है और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। मेरे लिए मेरे जैसे कई लोगों के लिए मैं अपने मैं ये मेरे जैसे कई लोग हैं और सबने अलग अलग किस्म की सफलता हासिल करी। तो चाहे जिसने जो भी बोला मैंने कभी उसको मतलब बोलना, मेरे को लोग अक्सर अजीब सी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। आप अगर एक्टर हो तो लोगों को लगता है कि कुछ भी बोल सकते हैं वो, इसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे याद है मुझे एक बार एक बंदे ने ये बोल निकाला था कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लगती हो इसलिए तुम हीरोइन नहीं बन सकती। मुझे आपको समझ में नहीं आया कि इंटेलिजेंट और हीरोइन और क्या उसका क्या रिलेशनशिप था, मतलब उसमें एक्टिंग कर रही है बट तो हाँ वही जमीन। सबसे पहले तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अनारकली ऑफ वैशाली जी आरा, बिहार की एक बिहार एक शहर है भैया लोगों का शहर है। मैंने सुन के बोला हाँ मराठी मराठी में बोला इन्होंने बिहारी शहर का आपने नहीं बोला कभी। अनारकली अनारकली आरा वाली एक्चुअली उसका नाम है अनारकली ऑफ आरा। ये 24 मार्च को आ रही है फिल्म, बहुत ही बेहतरीन और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आप सबको इन्वाइट करूँ वो फिल्म देखने के लिए मेरे साथ। स्पेशली जितने ऑफकोर्स जितनी लड़कियाँ हैं लेकिन डेफिनेटली जितने लड़के हैं उन सबको आना होगा, सीटी बजाने के लिए नहीं। आप आओ हमें सीटी लगानी चाहिए आपसे। तो अनारकली वाला आ रही है नेक्स्ट, उसके बाद मेरी एक और फिल्म है आपके कमरे में कोई रहता है, बहुत ही फनी कॉमेडी सी फिल्म है। और उसके बाद मैं करीना कपूर सोनम कपूर मैं और
और शिखा करके एक थिएटर की एक्ट्रेस है, हम चारों धीरे धीरे बड़ी करके एक फिल्म में आ रहे हैं, तो वो और आई होप आगे और काम आते रहे एंड आई होप कि कभी लाइफ में मैं एक्चुअली आप सबसे प्रेरित होकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल के कुछ यू नो और भी काम कर पाऊँ। Well, I would like to say a very, very hearty congratulations and kudos to Yuva Parivartan and the work they do. I think that as actors, we portray the stories of heroes and heroines on screen. I think that these are people who are real life heroes and heroines who are doing genuinely heroic work. This is the work of transforming India, and what better form of patriotism can there be than to actually do something constructive to better the lives of the people of our country. I think ki maine dekha inka jo second chance wala video hai, film hai, bahut hi inspiring film hai, aur mujhe lagta hai ki zindagi sabko hamesha second chance deti hai, bas aapko utna satark rehna hota hai ki aap us second chance ko pehchane aur us avsar ko grab kar le. Mujhe kaan pakadne ka man kar raha hai. I think ki mujhe hamesha lagta hai ki hum परिणाम पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अपनी कोशिश पे कंट्रोल होता है, और वो एक सेइंग है ना कि कोशिश करने पे खुदा भी मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सच है लाइफ में, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई गो बाय. सो मुझे वो यादें ताज़ा हुई, मैं बार बार मुझे लग रहा था कि अब बोलना बंद कर दो, क्योंकि लोग जब स्टेज के उस तरफ होते हैं तो यू नो ये जो माइक पकड़ के अपनी बातें अच्छा लगता है, जब आप उस तरफ होते हैं तो लगता है कि ताली बजा दो, बंद कर दो इनको. आपकी मूवी आ रही है अनारकली ऑफ आरा. जी अनारकली ऑफ आरा मेरी फिल्म आने वाली फिल्म है, 24 मार्च को आ रही है. बहुत ही खूबसूरत और ब्रेव फिल्म है, एंटरटेनिंग भी है, कमर्शियल भी है, लेकिन एक बहुत ही सही मुद्दा भी है उसमें, और एक बहुत अच्छी बात कहती है फिल्म, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस फिल्म को.